साठवां अध्याय पुनः तेज प्राप्ति के लिए शिव की तपस्या, केदार तीर्थ की उपलब्धि, शिव का सरस्वती में निमग्न होना, मुरासुर का प्रसंग और सनत कुमार का प्रसंग। नारद जी ने कहा, पूछा, आप मुझे ये बताइए कि शंकर कहाँ चले गए थे जिसने नंदी सहित अंबिका ने अंधक से स्वयं युद्ध किया। पुलस्त जी बोले, वे शंकर जी जिस समय 1000 वर्ष तक महामोह में पड़ गए थे, उस समय से वे तेज रहित एवं शक्तिहीन से दिखाई दे रहे थे। मति मानव में श्रेष्ठ महेश्वर ने स्वयं अपने अंगों को निस्तेज देखकर तप करने के लिए निश्चय किया। उन व्यापक शंकर ने महाव्रत का निर्णय करने के बाद अंबिका को धैर्य धारण कराया और वे शैल आदि नंदी को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने गले में तंत्रानुसार महामुद्रा पहन ली, महासर्पों के कुंडल एवं कमर में महासंख की मेखला धारण कर ली, दाहिने हाथ में कपाल एवं बाएं हाथ में कमंडलू धारण लेकर वे वृक्षों के नीचे कभी पड़े रहते, कभी पहाड़ों की चोटियों पर तथा नदियों के तट पर चक्कर लगाते रहते। प्रथम आरंभ में मूल फल खाकर, फिर जल पीकर, उसके बाद वायु पीकर यम नियम का व्रत पालन करने वाले उन्होंने क्रमशः तीनों लोकों में 900 वर्ष व्यतीत किए। उसके बाद उन्होंने हिमालय के ऊपर रमणीय तथा समतल पर्वतीय चट्टान पर आसन लगा दिया और अपने मुख में काष्ठ की बनी गुल्ली डालकर श्वास रोक लिया, कुंभक प्राणायाम कर लिया। उसके बाद शंकर ने कपाल को फोड़कर ज्वालामयी वह गुल्ली मतलब उनकी जटा के बीच से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस गुल्ली के रस गिरने से पर्वत टूट फूट कर पृथ्वी के समान समतल हो गए और वहां केदार नाम का सुप्रसिद्ध तीर्थ बन गया। ब्रह्मन उसके बाद वृषभध्वज महादेव ने केदार को पुण्य की वृद्धि करने वाले एवं पाप के विनाश करने वाले और मोक्ष के साधन का वर दिया तथा वह भी वर दिया कि जो संयमी पुरुष प्रांत भोजन को त्याग कर तथा ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर तुम्हारा जल पीते हुए यहाँ 6 महीने तक निवास करेंगे, उसके हृदय कमल में निश्चय ही मेरे लिंग की सत्ता प्रत्यक्ष प्रकट होगी। उनके कभी पाप में अभिरुचि नहीं होगी तथा उनसे किया गया पितरों का श्राद्ध अक्षय होगा, उसके कोई संदेह नहीं है। मनुष्य द्वारा यहाँ की गई स्नान दान तपस्या होम एवं जप आदि की क्रियाएं अक्षय होगी तथा इस स्थान पर मनुष्यों के मरने पर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। महादेव से इस प्रकार का वर पाकर वह केदार तीर्थ त्रिनेत्र महादेव के वचन के अनुसार प्राणी वर्ग को पवित्र एवं देवताओं को पोषण करने लगा। केदार तीर्थ को वर देखकर महादेव पाप विनाशिनी रति रवि तनया देवी कालिंदनी यमुना में स्नान करने के लिए शीघ्र चले गए। वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शंकर सैकड़ों पवित्र तीर्थों से गहरी वृत्त और प्रक्ष वृक्ष से उत्पन्न पापनाशिनी सरस्वती के निकट गए। उसके बाद वे स्नान करने के लिए उसमें उतरे और गंगाध जल में भलीभांति स्नान कर द्रुपदा गायत्री का जप करने लगे। कली प्रिय देवी सरस्वती के जल में शंकर को डुबकी लगाए हुए 1 वर्ष से अधिक बीत गया, परंतु भगवान ऊपर नहीं उठे। ब्रह्मन उस समय समुद्र सहित 7ों भुवन कांपने लगे और तारों के साथ नक्षत्र टूट फूट कर भूतल पर गिरने लगे। इंद्र प्रमुख है, जिनमें
जिनमें ऐसे देवता अपने अपने आसनों से उच्चक पड़े और महर्षिगण संसार का कल्याण हो इस भावना से जप करने लगे। तत्पश्चात जगत के अशांत हो जाने पर देवगण ब्रह्मा के निकट आए और उन्हें देखकर उन लोगों ने पूछा, ब्रह्मन संसार अशांत होकर क्यों संदेह के झोंके खा रहा है। कमल योनि ब्रह्मा ने उनसे कहा, मैं उसके इसके कारण को नहीं जान पा रहा हूँ। तुम लोग जाओ, उसके लिए चक्र गदाधारी विष्णु का दर्शन करना उचित है। पितामह के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता पितामह को आगे कर मुरारी लोक विष्णु लोक में गए। नारद ने पूछा, देवर से आप ये बताइए कि मुरारी कौन है, ये देवता है या यक्ष किन्नर है या दैत्य राक्षस है या मनुष्य। पुलस्त जी ने कहा, देवताओं जो ये मुरारी है वे मधु नाम के राक्षस के विनाशकारी है। वे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त है, निर्गुण और सगुण है, सर्वगामी और सर्वव्यापी है। नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, आप मुझे ये बताइए कि ये मुर नामधारी दानव किसका पुत्र है और लड़ाई के मैदान में भगवान विष्णु से उसे किस प्रकार मारा। पुलस्त जी बोले, नारद, मूर असुर के विनाश की कथा अद्भुत है। वह पाप का विनाश करने वाली और पवित्र कारिणी है। मैं उसे कहूंगा, तुम सुनो। देव दनु की कोख से कश्यप का औरस पुत्र मूर उत्पन्न हुआ। उसने श्रेष्ठ देवों द्वारा संग्राम में दैत्य को पराजित देखा। उसके बाद मृत्यु से भयभीत होकर उसने बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए व्यापक अजय ब्रह्मा की आराधना की। उसके बाद उसके ऊपर संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने कहा, वत्स वर्मांगो, उस दैत्य ने पितामह से यह वरा श्रेष्ठ वर्मांगा, विभु यज्ञ में मैं जिसे हाथ से छू दूं वह मेरे हाथ से छूते ही अमर देवता होने पर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। उसके बाद महातेजस्वी बलशाली मूरा देवगिरी पर जा पहुंचा। पुलस्त जी कहते हैं कि नारद जी यह वहां पहुंचकर उसने देवता यक्ष किन्नर उस आदि को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु किसी ने भी उसके साथ युद्ध नहीं किया। उसके बाद क्रूर होकर वह अमरावती की ओर चला गया और इंद्र को संग्राम करने के लिए ललकारने लगा, किंतु इंद्र ने भी उसके साथ युद्ध करने का विचार नहीं किया। उसके बाद हाथ उठाए हुए उसने अमरावती में प्रवेश किया, किंतु उसने भी प्रवेश करते हुए उसको रोकने का साहस नहीं किया। उसके बाद इंद्र के भवन में जाकर मूर ने इंद्र से कहा, सहस्त्राक्ष, मुझसे संग्राम करो, अन्यथा स्वर्ग को छोड़ दो। ब्रह्मन मूर के इस प्रकार कहने पर इंद्र युद्ध न कर स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उसके बाद उस शत्रु ने इंद्र के गजराज ऐरावत और वज्र को छीन लिया। महातेजस्वी इंद्र अपनी पत्नी पुत्र और देवताओं के साथ कालिंदी के दक्षिण तट पर अपना नगर बसाकर रहने लगे और मूर स्वर्ग में रहते हुए महान भोगों का उपभोग करने लगा। मय और तारक आदि दूसरे भयंकर दानव भी मूर के निकट पहुंचकर स्वर्ग में पुण्यात्माओं के समान प्रामोद प्रमोद करने लगे। वह महान असुर किसी समय पृथ्वी पर आया और अकेला ही हाथी पर चढ़कर सरयू नदी के तट पर उपस्थित हुआ। उसने सरयू के किनारे सूर्यवंश में उत्पन्न हुए एवं यज्ञ कर्म में दीक्षित रघुनाम के राजा को देखा। उसके पास जाकर वो उस दैत्य ने कहा, मुझसे संग्राम करो, नहीं तो यज्ञ करना बंद कर दो, तुम देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। ब्रह्मन मित्र वरुण के पुत्र महातेजस्वी बुद्धिमान और तपस्वियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने उस दैत्य के पास जाकर कहा, दैत्य, मनुष्य को जीत लेने से तुम्हें क्या लाभ होगा, जो नहीं जीते जाते उसको पराजित करो। यदि तुम चढ़ाई कर प्रहार करना चाहते हो तो उस यमराज का अवरोध करो, महासुर वे बलशाली है, तुम्हारा शासन नहीं मानते, उनको जीत लेने पर समस्त भूतल को पराजित हुआ समझो। वशिष्ठ का वह वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ दंड धारण करने वाले धर्मराज को जीतने के लिए चल पड़ा। उसे आते हुए सुनकर तथा संग्राम में वह अवध्य है ऐसा विचार कर वे यमराज महिष पर सवार होकर भगवान केशव के पास चले गए। उसके पास जाकर प्रणाम करने के पश्चात यमराज ने मूर के कृत्य को बताया। उन्होंने कहा, तुम आ जाकर अभी उस महासुर को मेरे पास भेज दो।
वासुदेव के वचन को सुनकर वे शीघ्र चले आए। उतने में ही मूर दैत्य उनकी नगरी में आया। उसने उसके आने पर यम ने कहा, हे मूर बताओ तुम क्या करना चाहते हो? देवेश्वर मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मूर या मूर ने कहा, यम तुम प्रजाओं के ऊपर नियंत्रण करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा, काटकर पृथ्वी पर फेंक दूंगा। ब्राह्मण धर्मराज ने उससे कहा, यदि तुम मेरे ऊपर संयम करने वाले से मेरी रक्षा कर सकते हो तो मैं सत्य कहता हूं कि तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। मूर ने उससे कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारा शासक कौन है, मैं निस्संदेह उसे पराजित कर रोक दूंगा। यम ने उससे कहा, जो श्वेत द्वीप के निवासी चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु है, वे ही मुझे शासित करते हैं। दैत्यों में श्रेष्ठ मूर ने यमराज से कहा, यम वह कहाँ रहते हैं जिसे कठिनता से जीता जा सकता है? उसका संयमन करने के लिए मैं तैयार होकर वहां स्वयं जाऊंगा। यमराज ने उससे कहा, तुम क्षीर सागर में जाओ, वहां लोक स्वामी जगन्मूर्ति भगवान विष्णु रहते हैं। मूर ने उसकी बात सुनकर वहां धर्मराज में केशव के पास जा रहा हूं, परंतु तुम तब तक मनुष्य का नियमन मत करना। उस मूर ने कहा, तुम जाओ तब तक मैं तुम्हारे नियमन को जैसे भी हो जितने का प्रयत्न करूंगा, उसके बाद तुम युद्ध करना। इतना कहकर मूर या मूर दैत्य शेर सागर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि चतुर्भुज तारी जनार्दन अनंत नाग की सैया पर पड़े हुए हैं। नारद जी ने पूछा, आप कृपया ये बताइए कि विष्णु एक होने पर भी चतुर्मुखी मूर्ति क्यों कहे जाते हैं? क्या सर्वगत एवं अव्यक्त होने के कारण तो नहीं कहा जाता? आप उसे कहिए। पुलस्त जी बोले, ब्राह्मण अव्यक्त एवं सर्वव्यापी होने पर भी वे एक ही है, जिस कारण से जगन्नाथ चतुर्मूर्ति कहे जाते हैं उसे बताता हूं, सुनो। वासुदेव नामक श्रेष्ठ पद तर्क या अनुमान द्वारा अज्ञेय एवं निर्देश किए जाने में असक्य शुक्ल मतलब शुद्ध शांति युक्त अव्यक्त अप्रगट एवं द्वादश पत्रक मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र वाला कहा गया है। नारद जी ने पुनः पूछा कि इस प्रकार वे शुक्ल शांत अप्रवर्तक एवं अनिंदित है, मुझे बताए कि उनके कथित द्वादश पत्रक कौन है? पुलस्त जी बोले, पितामह ब्रह्मा ने जिस परम गुरु का वचनों को कहा है उसे सुनिए। सनत कुमार ने उसे सुना था और उन्होंने मुझसे कहा था। नारद जी ने फिर कहा, इस विषय में स्वयं ब्रह्मा ने जिससे कहा है वे सनत कुमार कौन है और उन्होंने भी आपसे जो कहा है उसे क्रमशः मुझे बताइए। पुलस्त जी बोले, धर्म की पत्नी अहिंसा है, उसके चार पुत्र मुनिश्रेष्ठ वे सभी योग शास्त्र के विचार करने में कुशल थे। उसमें सनत कुमार श्रेष्ठ ज्येष्ठ, सनातन द्वितीय, सनक तृतीय एवं चतुर्थ सनंदन हुए। वे सभी सांख्यवेता कपिल वोढ़ू आसुरी एवं योग से युक्त तपोनिधि श्रेष्ठ पंच सिख नामक ऋषि को देखकर उसके पास गए। बड़े होने पर भी उस लोगों ने अपने से छोटे को ज्ञान योग का उपदेश नहीं दिया। कभी तो आदि की उपासना करने वालों को महायोग का परिणाम मात्र बतला दिया। सनत कुमार ने कमलोद्भव ब्रह्मा के पास जाकर योग विज्ञान पूछा। प्रजापति ने उससे कहा, ब्रह्मा ने कहा, साध्य यदि तुम पुत्र होना चाहते हो तो मैं तुमसे कहूंगा उसे जिस किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है अन्यथा नहीं है। सनत कुमार ने कहा, देवेश मैं पुत्र ही हूँ क्योंकि विभो मैं शिष्य हूँ। पितामह पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। ब्रह्मा ने कहा, धर्मनंदन शिष्य और पुत्र में धर्म कर्म के संयोग में जो कुछ भेद होता है उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो। वह वैदिक की श्रुति है जो पम नामक नरक से उद्धार कर देता है उसे पुत्र कहा जाता है, और शेष पापों का हरण करने वाला होने से शिष्य कहा जाता है। यही दोनों में भेद है। सनत कुमार ने कहा, पुनः पूछा, देव
वह पम नामक नरक कौन है जिस नरक से पुत्र रक्षा करता है और शिष्य किससे अवशिष्ट पाप का हरण करता है, आप कृपया उन्हें बताइए। ब्रह्मा ने कहा, महर्षि वे तुमको अत्यंत प्राचीन योग सांग से युक्त उग्र भय दूर करने वाले परम पवित्र कथा सुनाता हूँ, हे साध्य तुम उसे सुनो। इस प्रकार से वामन पुराण में 60वां अध्याय समाप्त हुआ।